रजनीश मेरे साथ हैं सिवाल खास से। रजनीश, क्या हाल है वहां पर, कैसी चल रही है वोटिंग? बिल्कुल, देखिए उत्साह लोगों में, मतदाताओं में बिल्कुल उसी तरह का है जैसा सुबह में था। अभी भी आप देख सकते हैं लोग कतारों में खड़े हैं और बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग वहां पे अपने जो उनका वोटर स्लिप है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी आपको यहां पर दिख सकती है। ये एक बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन है सिवाल खास विधानसभा सीट के लिए, यहाँ पर वोटिंग हो रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर ईवीएम के स्लो होने की बात सामने आई थी। बताइए अब कितना इंतज़ार करना पड़ा है आपको, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत स्लो यहाँ पर वोटिंग हो रही है। नहीं, स्लो तो नहीं हो रही, मैं तो अभी आया हूँ, अभी लाइन में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट देने जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी, सर आप कुछ बोलेंगे, क्या मुद्दा है यहाँ पर, वोट देने से पहले क्या सोच रहे हैं आप? ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ पे, गैस, तेल और तुम्हारी कई चीज़ें हैं, और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? असली मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी का है। देखिए ज़्यादातर लोग निशांत यहाँ पर महंगाई, आप जो बता रहे हैं, जब आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि आज आरबीआई की जो पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें बकायदा फूड इन्फ्लेशन का जिक्र किया गया है। बहरहाल अंकिता हमारे साथ है, अंकिता फ्रेम में है, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? बताइए वहां पर क्या हाल है निशांत। सबसे पहले जब वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही थी तो दिनेश जी को आपसे बात करते हुए हम सुन रहे थे, और उन्होंने कहा था कि शामली में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 53.15% शामली में हुई है। तो वहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में वोटर्स कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दे रहे हैं, खुलकर बाहर आए हैं और 52.50% मुजफ्फरनगर में वोटिंग हुई है। और फिलहाल हम मदन मोहन मालवीय कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और लगातार आप लाइन देखिए, ये लाइन देखकर आप समझ आएगा आपको कि वोटर टर्नआउट कितना बढ़िया रहा है। हालांकि सुबह ठंड की वजह से वोटर टर्नआउट थोड़ा कम दिखाई दिया था, लेकिन इस वक्त लगातार लोग कतारों में लगे हुए हैं और सुबह से हम कई बूथ पर गए, जैसे जैसे सूरज चढ़ना शुरू हो रहा है वैसे वैसे वोटर्स का बाहर निकलना शुरू हो रहा है। चलिए हम लोगों से बात करेंगे और सबसे पहले उनसे जानेंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट देने के लिए बाहर आए हैं। किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं विकास के लिए वोट देना चाहता हूँ और सुशासन के लिए वोट देना चाहता हूँ, और नाम ही मेरा विकास ही है। क्या बात है जी जी, तो मैं ये चाहता हूँ हमारा देश तरक्की करे और सभी स्वतंत्र रहे, विकास पर वोट देना चाहते हैं, महिलाओं को आज़ादी मिले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल, तो मेरा कहना यही है, मैं फूल के साथ जाना चाहूंगा। बिल्कुल, हम तो किसके साथ जाना चाहेंगे ये नहीं सुनना चाहते, लेकिन इनका बड़ा इंटरेस्टिंग था, विकास जी विकास के साथ जाना चाहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।